अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की एक नई सब्ज़ी, जो बिल्कुल ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के ये रेडी होती है, और बहुत ही आसानी से, बिल्कुल घर के इन्ग्रीडियंट्स पे ज़्यादा मसालेदार नहीं होती और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होती है, और बहुत ही कम समय में हम इसको बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम हमारे इंग्रेडिएंट्स बनेंगे आपको। ये मैंने कद्दू लिया है, एक कद्दू है मेरे पास ये, तो उसको मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियम साइज प्याज हैं, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम्स टमाटर हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम तिल ली है, ये सफ़ेद तिल है, इसको मैं बिना रोस्ट किए के ले रही हूँ। इसी तरह मैं इसे ग्राइंड करूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। और इसी में मैं ये दालचीनी के थोड़े से टुकड़े ऐड करूँगी। हमें इसमें दालचीनी का फ्लेवर आता है, तो हम दालचीनी के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने तिल के साथ ही इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च है, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने तेल लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेल ले सकते हैं। और हरी मिर्च भी आप, मिर्च, नमक, जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये देखिए मैं सूखी लाल मिर्च ऐड करती हूँ। मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, अगर आपके पास तेज पत्ता हो तो आप तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो हल्का सा हम तड़के कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्याज भी ऐड कर लिया है। अभी हम इस तड़के को तड़के कर लेंगे और हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, तब तक ये हम इसको अच्छे से भून देंगे, फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है, आप सभी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए कि हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 3 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। हमने लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और ये सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो हम इसमें दूसरा लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक ऐड किया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसी में मैं जो ग्राइंड करके रखी हूँ तिल, दालचीनी और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर लूँगी मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो ग्राइंड करके पेस्ट रखी थी मैं वो भी ऐड कर ली हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको। अब हमें इसे तब तक भूनना है तब तक इसमें से ऑयल रिलीज नहीं होता, ताकि हमारी जो तिल का जो कच्चा जो टेस्ट है वो भी निकल जाए
और हरी मिर्च भी अच्छे से पक जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तेल और मिर्ची का जो पेस्ट हमने डाला था सारा अच्छे से भून चुका है और इसमें से तेल ऑयल भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। और ये बिल्कुल मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, इसका दरदरा सा खाइए। तो देखिए बिल्कुल दानेदार नज़र आ रहा है, ये इसी तरह का हमें होना है। अभी हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कद्दू भी ऐड कर दिया है। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और हम इसमें हाफ कप जितना बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे कद्दू अच्छे से गल जाए। और हमें इसे कद्दू गलने तक नहीं पकाना है, थोड़ा सा 5-8 मिनट्स के लिए कुक करना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होता है। अभी तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, दालचीनी की, तिल की, हरी मिर्ची की, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होती है सब्जी। और सुबह ब्रेकफास्ट में आप रोटी के साथ ले सकते हैं, टिफिन में ले सकते हैं, और लंच या डिनर में भी इसको राइस के साथ साइड डिश के तौर पर भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें हाफ कप जितना पानी ऐड करके उसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कद्दू अच्छे से गल रहे हैं। अभी तक ये 70% जितना तो गल चुके हैं। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को भी अच्छे से हम भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हमें टमाटर अच्छे से गलने तक इसे कुक करना है। अच्छे से हमें गलाना है टमाटर को भी, है ना। बहुत ही आसानी से बनने वाली सब्जी, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही मज़ेदार और साथ में हेल्दी भी। तो चलिए हम इसे टमाटर अच्छे से गलने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे कद्दू और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 1 कप दही और 1 कप दूध को हम अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 कप दही है। अभी मैं इसमें 1 कप दूध ऐड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप दही में 1 कप दूध ऐड किया है। आप दूध कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फैट, टोन मिल्क या लो फैट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बफेलो, पाओ या पैकेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध और दही दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पे है। अभी हम इसमें जीरा और धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जीरा और धनिया का पाउडर ऐड कर लिया है। अभी हम इसको 5-10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि हमारा दही का जो कच्चा टेस्ट है और दूध का जो कच्चा टेस्ट है वो सब पक जाए और आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए और एक फ्लेवरफुल रेसिपी बन के ये रेडी हो जाए। तो बताइए आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए एकदम बिल्कुल मज़ेदार सब्जी हमारी बन के रेडी हो रही है। तो आप सब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।
तो चलिए हम इसको कुक होने के लिए 10-12 मिनट्स के लिए ढक्कन से ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत अच्छी लुक में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो हम इसको थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। एक मुट्ठी से थोड़ा कम यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड किया है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको एक 2-3 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनके हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है। तो आप सब इंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल टेस्टी कभी चीज सब्जी। हमें इतना सा ग्रेवी तो रखना है, तो आप सब अपने घर पे ज़रूर बनाएं, ज़रूर शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए दी आप सब देखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में, अपनी ब्लेसिंग्स में हमेशा हमें शामिल करिए। हम भी आप सबको अपनी दुआओं में, अपनी ब्लेसिंग्स में हमेशा शामिल करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।